इसके क्या क्या नुकसान है क्विकली देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। ओके, इसके नुकसान क्या है? फर्स्ट नुकसान हम यहां के इमीडिएट दुनिया की पहले बात कर लेते हैं। क्या नुकसान है? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लाइफ? स्टे कूल, जैसे कहा जाता है ना, बी कूल। ओके, क्या नुकसान क्या है? गोल्स अचीव नहीं कर सकता है, जो उसे करना चाहिए नहीं कर सकता है, और जो वो अचीव कर सकता है, जितना प्रोडक्टिव बन सकता है, वो नहीं बन पाता है। और बताइए, और क्या नुकसान है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम तो एक बार गया तो गया ना। टाइम तो ऐसा है कि एक बार हाथ से जो गया, दिस इज आर इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें वन टाइम मिलती है, टाइम फिर से नहीं आ सकता, टाइम पीछे नहीं जा सकता, एज वी ऑल नो। तो वो जो एक बार गया तो गया, हाँ, दिस इज अ मेजर लॉस। और बताइए, ये कैपिटल है हमारा, वो कैपिटल हाथ से निकल गया, और क्या लॉस है बताइए? नॉट यूजिंग टैलेंट्स, जो एबिलिटी थी, जिस एबिलिटी से वो खुद को और दुनिया को फायदा पहुंचा सकता था, वो एबिलिटी से फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। और क्या नुकसान है बताइए? वेरी क्विकली, देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हाँ, और क्या नुकसान है? जैसे कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। एक वक्त में पहले अगर एक चीज कर लेते ना, तो तुम्हारा काम सॉल्व हो जाता। लेकिन होता क्या है कि वो एक काम करने में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेट होते हैं, लेजी बनते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो काम कई बार बढ़ करके बड़ा बन जाता है, फिर जाके अभी निपटते रहो, अभी तो मजबूरी बन जाती है। मेडिकल इश्यूज में कई बार होता है कि छोटा सा प्रॉब्लम था, सॉल्व करो, और वो सॉल्व नहीं किए, फिर बाद में आके वो बहुत बड़ा बन गया, अब जाके सॉल्व करो, अब मजबूरी बन गई वो। हाँ, ऐसे कई बार होता है। एंड व्हाई डज इट हैपन? द रूट कॉज, जो मेन कॉज है, वो लेजीनेस है, सुस्ती है। वो सुस्ती की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। वो वक्त पे डील कर लेते, निप इन द बड कहते हैं, कि जड़ से उसको वहीं पे उखाड़ देते प्रॉब्लम को, तो उखड़ जाता था। और क्या होता है, कितने सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो रिसोर्सेज है, वो सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। आपके पास जो लोग हैं, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो एसेट्स है, जो आपके पास बच्चे हैं, वो सारे जो रिसोर्सेज है, कितनी सारी चीजें हैं वेस्ट होती है सुस्ती की वजह से। ये सुस्ती का प्रॉब्लम एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर कोई सोसाइटी लेजीनेस से बाहर निकल जाए ना, तो वो बहुत बड़े अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेगी। और जब हम आगे देखते हैं, एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि आखिरत के एतबार से, लाइफ आफ्टर डेथ के एतबार से, लेजीनेस एक इंसान को रोकती है कि जो उसे करना चाहिए, जो उसे नमाज पढ़ना चाहिए, लेजीनेस उसे रोक रही है नमाज पढ़ने से, अल्लाह के सामने सर झुकाने से, जिससे उसके फुल डे में फायदा होगा, उसकी फुल लाइफ में फायदा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में फायदा होगा। उसी तरह किसी को हज करने जाना चाहिए, उसके पास है एबिलिटी, बट ही इज लेजी, वो नहीं जा रहा है। किसी को कुछ अच्छा काम करना चाहिए, उसकी सुस्ती उसे रोक रही है वो सारे कामों से। तो ये भी उसके आखिरत के एतबार से उसका नुकसान है, इन रिगार्ड्स हिज लाइफ आफ्टर डेथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेन पार्ट पर, जो है सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।